بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. नाज्रीन असलकुम वरम वक्त मैं डॉक्टर जैद मलिक हूँ और हमारी आज की गुफ्तु का मौज़ है रिश्ता दारों के साथ हमदर्दी इर्शाद बारी तला है इलामिलासानी व इता ईदिलक़़रबा वन हा अनिलफहशाह ईलमुनकर वगी यक़ीनन अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ का एहसान का और ये कि रिश्तेदारों को दिया जाए उनके हुकूक अदा किया जाए और अल्लाह रोकता है बेहयाई से बुराइयों से और तमाम अखलाक़ी बुराइयों से इन आयत के ज़रिए अल्लाह तुम्हें वाज़ करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो रिश्तेदारों के हवाले से जब बात होती है तो उसके लिए अरबी में सिला रहमी का लफ्ज़ है रहम माँ के जिस्म में वो हिस्सा है जिसमें बच्चा परवरिश पाता है उसको रहम कहते हैं रहीम मादर इस्तेमाल होता है हदीस में आता है कि ये जो रहीम है इसने अल्लाह के अर्श को जाकर थाम लिया और अल्लाह से यूँ दुआ कि अल्लाह सिलमन वसअलनी वा मन, मन के क्या जो मुझसे जुड़ जाए तू भी उससे जुड़ जा और जो मुझसे कता ताल्लुक़ हो तू भी अपना रिश्ता उससे तोड़ ले अपना ताल्लुक़ उससे तोड़ ले تو کیا اللہ نے یہ دعا قبول کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جوابا یوں کہا انا الرحمن الرحيم و اني شققت للرحيم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن نكثها نقزته اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں اور ये जो रहम का नाम है लफ्ज़ है ये मैंने अपने नाम से निकाला है तो जो शख़्स भी सिला रहमी करेगा रहीम के साथ जुड़ेगा मैं उसके साथ जुड़ जाऊँगा और जो शख़्स कता रहमी करेगा रहीम के साथ अपना ताल्लुक तोड़ देगा मैं भी अपना ताल्लुक उसके साथ तोड़ दूँगा तो ये रहीम की दुआ थी और अल्लाह ताला की फ़ौरी कबूलियत थी इस दुआ के हक़ में नाजरीन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी के हवाले से बात करते हैं तो कहाँ से शुरू किया जाए ज़ाहिर शुरू तो वहाँ से करेंगे जो सबसे अहम रिश्तार हो फिर उसके बाद उससे कम फिर उसके बाद उससे कम तो रिश्तेदारों में जो सबसे अहम हैं जो सबसे आला मकाम रखते हैं वो हमारे वालदेन एक हदीस है जो हज़रत मकदाम बिन मादी करीब रिवायत करते हैं फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन यूसी कम बि उम महातिकम सयूसी कुम भी उम महातिक मयूसी कम बि उम महातिकम सयूसी कुम बे आबाक मयूसी कम बिलआरबी फल अक्रब के अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अपनी माओं के साथ हुसन सलूक करो अल्लाह तुम्हें फिर ये हुक्म देता है कि अपनी माओ के साथ हुसन सलूक करो अल्लाह तुम्हें फिर ये हुक्म देता है कि अपनी माओ के साथ हुसन सलूक करो फिर आपने फ़रमाया कि अल्लाह तुम्हें यह भी हुक्म देता है कि अपने बाप के साथ हुसन सलूक करो और उसके बाद अल्लाह तुम्हें यह हुक्म देता है कि जो रिश्तेदार करीब हो दर्जा बदर्जा उनके साथन सलूक करो माँ के बाद खाला का दर्जा आता है इसी तरह बाप के बाद चचा का दर्जा आता है जैसा कि एक हदीस से हम ये समझते हैं कि एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया उसने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी असब तोम अवीमन फहली मनतबा क्या अल्लाह के रसूल मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है तो क्या मेरी भी कोई तौबा है जो कबूल हो सकती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा हल्ला कमिन उम्मिन क्या तुम्हारी माँ जिंदा है कला उसने कहा नहीं वो तो ज़िंदा नहीं फिर आपने पूछा हल्ला मिन खाल क्या तुम्हारी कोई खाला जिंदा है कला नाम उसने कहा जी हाँ खाला मौजूद है तो आपने फरमाया फिर रहा तो खाला के हक में आपने हुक्म दिया कि खाला के साथ हुसन सलूक से पेश आओ ये करने से तुम्हारे जो जिस गुनाह का तुम जिक्र कर रहे हो बहुत बड़ा गुनाह जो तुम कर आए हो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देंगे तो माँ के बाद ख़ाला का दर्जा है इसी तरह बाप के बाद चचा का दर्जा है वालदेन के साथ हमदर्दी का एक पहलू ये भी है कि उनके दोस्तों के साथ भी हसन सलूक किया जाए और उनके दोस्तों की औलाद के साथ भी हुसन सलूक किया जाए हदीस में आता है हज़रत मालिक बिन रबिया रज़ी रिवायत करते हैं कहते हैं बई नमा नहनूंद रसूल جاءه رجل من बनी सलम कि हम हुजूर अकरम अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में बैठे हुए थे कि बनु सलमा से एक शख्स आया

वस्तगफ़फ़ारहुमा वहूदहीिमा व इकराम सदीक हिमा वीर काबिल आपने फ़रमाया कि जी हाँ बहुत से पहलू हैं एक तो ये है कि आप उन दोनों के लिए रहमत की दुआ करेंगे अल्लाह उन पर रहम करें दूसरा आप उनके लिए इसतफ़ार करेंगे अल्लाह उनके गुनाह माफ़ करें तीसरा यह है कि आप उन वादों को उन माहिदों को पूरा करेंगे जो वो करके गए हैं और उनको पूरा नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में उन वादों को उन माहिदों को करने से पहले पूरा करने से पहले अगर वो फ़ौत हो गए हैं तो ये औलाद की जिम्मेदारी है कि वो उनको पूरा करें फिर आपने फरमाया कि उनके दोस्तों की इज्जत करना तज़ीम करना ये भी वालदे के हसन सलूक में शामिल है आखिर में फ़रमाया वीलतर्ररह़ीम और रहमी करना वालदैन के रिश्तेदारों के साथ भी सिलाई रहमी करना क्योंकि वालदे ही हैं जिनके रिश्तेदार जो हैं वो हमारे रिश्तेदार भी हैं तो उनके साथ वालदे की वफ़ात के बाद भी जुड़ के रहना ताल्लुक़ कायम रखना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी लन मदीना से मक्का का सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में एक शख्स उन्हें मिला उसने आके सलाम किया तो अब्दुल्ला बिन उमर अपने सवारी से उतरे उस शख्स को गले से लगाया प्यार से मिले और अपने साथ उसे सवारी पे बिठा लिया और फिर रुख्सत करते हुए उसे कुछ पैसे भी दिए अपनी पगड़ी भी उतार कर उसको दे दी तो एक शख़्स थे साथ उन्होंने कहा कि ए अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह ताला आपका रुतबा बुलंद करे ये तो देहाती लोग हैं इनको थोड़ी सी भी चीज़ दे दें तो ये राज़ी हो जाते हैं आपने इतनी तक्रीम की अपनी पगड़ी भी साथ में फिर दे दी तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि ये जो शख़्स है ये मेरे वालिद के दोस्त का बेटा है और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है आपने फ़रमाया इन अबर्रलबर्री सीलतलवादी अहल अबी के बेहतरीन रहमी और हसन सलूक जो आप वालदान के साथ कर सकते हैं उनके मरने के बाद वो ये है कि वालदान के दोस्तों के अहले आयाल का भी ख़्याल रखें उनके साथ भी आप अच्छे ताल्लुकात उसवार रखें अच्छे ताल्लुकात कायम रखें ने ग्रामी रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी या सीला रहमी उन अमूर में से है जिनका हुक्म इस्लाम के शुरू में ही दे दिया गया बेसत नबवी सल्ह वसलम के आगाज़ में ही रहमी की हिदायत की गई रहमी का हुक्म दिया गया एक सहाबी हैं हज़रत आमर बिन अबसा वो कहते हैं कि इस्लाम के आगाज़ में ही मैं मक्का गया ताकि जा के मिलूँ हज़रत सल्लल्लाहु सल्ला वसलम से और देखूँ कि वो क्या दावत लेकर आए हैं ये वो ज़माना था कि अभी खुफिया दावत चल रही थी और अलैहि वसल्लम ने अल नेलान दीन की दावत फैलाना शुरू नहीं की थी कहते हैं कि मैं गया और मैंने पूछा मा अंता कि आप क्या हैं अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया अना कि मैं नबी हूँ तो फिर कहते हैं कुल तू वम नबी नबी क्या होता है कल रसूल आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ अल्लाह ने मुझे भेजा है तो फिर ये पूछते हैं कुल तू बिमा अरसला का आपको अल्लाह ने क्या पैगाम देकर भेजा है तो हजूर सल्हलम ने फरमाया बेबदल्ला व तुक सरअसान व तू सलरह बिल बिर अल्लाह ने मुझे ये अहकाम देकर भेजा है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत की जाए बुतों को तोड़ दिया जाए और ये कि सिला रहमी की जाए नेकी के साथ एहसान के साथ रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ा जाए यानी ये वो अहकाम हैं जो दीन के आगाज़ में हुजूर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे ये अहकाम देकर मबूस किया है मुझे रसूल बनाकर कर भेजा है और यही बात हम देखते हैं कि अबू सुफियान रज़ी अल्ला जब अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे तो शहनशाहूम के दरबार में जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करा रहे होते हैं और इस हालत में कि अभी वो मुसलमान भी नहीं हैं लेकिन हक बात उनकी ज़ुबान पर जारी होती है जब रूम का बादशाह पूछता है सल्लल्लाहु सलील वसम के बारे में कि ये शख्स तुम्हें क्या हुक्म देता है तो अबू सफियान रज़ी अल्लाह ने कहा वुरुना बिसअलाति वदी वलाफ़ाफी वसिला ये शख्स हमें यह हुक्म देता है कि हम नमाज़ पढ़ें ये हमें हुक्म देता है कि हम बात करें तो सच बोलें यह हमें हुक्म देता है कि हम अपने ताल्लुकात में पाकीज़गी पैदा करें इफत का हुक्म देता है पाकीज़गी का और ये हमें सिला रहमी का हुक्म देता है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है रिश्तेदारों में जो वालिदैन के बाद नंबर आता है वो बीवी बच्चे हैं बहन भाई हैं इनके हकूक़ हैं ख़ास तौर पर बहन भाइयों के हकूक़ हैं क्योंकि बीवी बच्चों के तो साथ इंसान रहता ही है बहने और भाई ऐसे होते हैं जो अक्सर इग्नोर हो जाते हैं उनसे ताल्लुकात में ख़ास तौर पर शादी के बाद कमी आ जाती है दूरी आ जाती है और ये बात बहनें भी महसूस करती हैं भाई भी महसूस करते हैं तो इस तरफ़ खसूस तवज्जो देनी चाहिए जब ये आयत नाजिल हुई लन तनाल राहत त फिको मत हिब्बून कि तुम नेकी तक उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते जब तक तुम उस माल से ख़र्च ना करो जो तुम्हें बहुत पसंद है तो हज़रत अबू तल्हा रज़ी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा कि या यारसोल्ला या आयत नाजिल हुई है और मेरा जो बेहतरीन माल है वो बेरो है एक बाग था उसमें कुआँ था तो मैं चाहता हूँ कि ये अल्लाह की राह में सदका कर दूँ तो ये मैं आपके हवाले करता हूँ आप जिसको चाहें दे दें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा देते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम ये बाग अपने चचा भाइयों को दे दो तो आपने ये बाग अपने चचा भाइयों और बहनों में तकसीम कर दिया तो इससे ही इस अहमियत का पता चलता है कि आप रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुक़ जोड़ें उसमें तोहफे तहफे देने का भी अनसर शामिल हो अपने माल में से देने का भी उन सुर शामिल हो बज़ दफ़ा नाजरीन ये होता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने रिश्तेदारों के साथ जोड़ के रखें ताल्लुक़ क़ायम करें लेकिन उनकी तरफ से गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं होता सर्द मेहरी का मुज़ाहरा हो रहा होता है हम जोड़ना चाह रहे होते हैं वो तोड़ना चाह रहे होते हैं इस हवाले से क्या किया जाए इसमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे लिए हिदायत मौजूद है आप वसल्लम ने फ़रमाया है कुतियत सलुबिलमकाफ़ी वसलहा विला रहमी करने वाला वो नहीं है जो उस वक्त रहमी करे जब उसके साथ सिला रहमी की जा रही हो यानी आपने वैसे ही बदला दे दिया जैसे आपके साथ मामला किया गया आपने फरमाया ये सिला रहमी नहीं है सिला रहमी क्या है हैतम वह कि आपके साथ कोई क़त रहमी कर रहा है लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ सिला रहमी कर रहे हैं आप उसके ताल्लुक़ तोड़ने की परवाह नहीं कर रहे आप बार बार आगे बढ़ते हैं उसको सलाम करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं उसको मनाने की कोशिश करते हैं उसके लिए तोहफे तइफ़ भेज रहे हैं उसको बार बार ये आप एहसास दिला रहे हैं कि मेरी तरफ़ से कभी क़त रहमी नहीं होगी यहाँ तक कि उसको ये एहसास हो जाए कि मैं ही गलती पर था और मेरा जो ये रिश्तेदार है भाई है या चचाजाद है या मामूजाद है या खालाजाद है ये मुसलसल इस तगो दौ में लगा हुआ है कि मेरे साथ ताल्लुक को जोड़े और सिला रहमी करे और यही मतलूब हैजूरी अक्रम सली वम ने सिला रहमी की अहमियत और फज़ीलत और अजर और दुनियावी फ़ायदा बताते हुए ये इरशाद फरमाया है आपने फ़रमाया मन मनसर्रहू अनयुमदलहू फ़ीमरी ही व्युवस्लहू फी रिज़ ही वुद्फ़ान हो मी तस्ू फलियत वयसरा रहम हो जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि उसकी उम्र तवील हो उसका रिज् वसी कर दिया जाए और उसका आखिरी वक्त ख़ूबसूरत बना दिया जाए उसकी मौत अच्छी हो तो उसको चाहिए कि अल्लाह से डरे अल्लाह का तखबा इख्तियार करे और सिला रहमी करे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे हुजूर हजूरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़े ख़वातीन में खिताब फरमाया और उनको तरगीब दी कि वो अल्लाह की राह में ख़र्च करें तो एक खातून है जिनका नाम जैनब था वो गई मस्जिद में वहाँ एक जगह थी जहाँ पर ग़रीबों के लिए आप सामान छोड़ कर आ सकते थे तो उन्होंने अपने जेवरात वहाँ छोड़ दिए उनके खामिन थे जिनका नाम अब्दुल्ला था वो बहुत गरीब आदमी थे उन्होंने वो जेवरात उठाए और वापस घर आ गए तो बीवी ने देखा कि भाई ये तो मेरे जेवरात हैं जो खामिन साहब उठा के वापस ला रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने आपके लिए नहीं छोड़े थे ये तो गरीबों के लिए थे हज़ूर अक्रम सल्हलम ने हुक्म दिया है कि गरीबों पर खर्च करें और मैं अपने जेवरात मस्जिद में छोड़ कर आ रही हूँ और आप हैं कि उसको उठा कर घर ला रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भई आपने ग़रीबों के लिए छोड़े और मैं गरीब आदमी हूँ तो मैं मुस्तक हूँ तो जैनब जो थी उनकी बीवी उन्होंने कहा कि बात तो आपकी ठीक लगती है लेकिन मुझे अभी तक शरह सदर नहीं हो रहा और मैं चाहती हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा कर लूँ आपसे पूछ लूँ कि क्या मेरा माल तुम्हारे लिए जायज़ है या नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाती हैं पूछती हैं तो आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए दोहरा अजर है तुम्हारे लिए दो अजर हैं एक अजर गरीबों में खर्च करने का है और दूसरा अजर गरीब रिश्तेदारों पर खर्च करने का है जो तुम्हारा हामिद है तुम्हारा रिश्तेदार है गरीब है तो आपको डबल अजर मिलेगा एक आपने अल्लाह की राह में ख़र्च किया और दूसरा वो ख़र्चा जो है आपके रिश्तेदार पर हुआ तो आपको दोहरा अजर मिलेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि उसको सही समझा बल्कि उसकी तरगीब भी दी अजीज़ा ने ग्रामी कल इनशा एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ वालेक वरहल वबरकू बताए जिंदगी के सब करीने अहले ईमान को सिखाए बंदगी के सब तरीके हर मुसलमान को है जज्बा सारी का सबक है